बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 केमिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं हम, और आपको पहले बताते चलूँ कि आपकी डायरी जो है वो ये होगी कि आपको जो तीन तरह के न्यूमेरिकल सिखाए गए हैं, मोलरिटी के ऊपर, मोलिलिटी के ऊपर और मोल फ्रैक्शन के ऊपर, तो वो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आपकी डायरी का हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं आपके टॉपिक की। तो टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन इज अनदर टर्म, सस्पेंशन इज अनदर टर्म, दोनों में क्या फर्क होता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन के पास जो साइज अवेलेबल है, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होगा वो 0.1 से लेकर के 1 नैनोमीटर तक है, जबकि सस्पेंशन में क्या होगा आपके पास, सस्पेंशन में लार्जर देन 1000 जो है वो पार्टिकल साइज होगा, 1000 नैनोमीटर साइज, 1000 से ज्यादा जो है वो उसका 1 नैनोमीटर से ज्यादा पार्टिकल का साइज है, जबकि यहाँ पर 0.1 से ज्यादा का होगा 1 नैनोमीटर तक होगा। इसी तरह से सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, मतलब पार्टिकल्स यहाँ देखे नहीं जा सकते, जबकि सस्पेंशन में यहाँ पर पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। जैसे आपने पानी में शुगर डिजोल्व किया, सॉल्यूशन बनाया आपने, तो आप सॉल्यूशन बनाएंगे, शुगर जब डिजोल्व हो जाएगा तो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आप सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। लेकिन अगर इसके बरक्स आप कोई दूसरा सॉल्यूशन बनाए, जैसे कि पानी में आपने जो है वो सैंड डाल दिया और उसको डिजोल्व करने की कोशिश किया, और आप उसे जो है उन पार्टिकल्स को तो डिजोल्व नहीं होंगे, सेकेंड थिंग ये होगी कि उन पार्टिकल्स को आप वाटर में देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे। जबकि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा और सस्पेंशन जो है वो हेटरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अच्छा, डू नॉट शटर डाउन, मतलब शटर डाउन कैसे होगा, जब पानी में डिजोल्व होगा एक ऐसे पार्टिकल जो पानी में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में जो है वो डिजोल्व हो चुके हैं, तो शटर डाउन का तो मामला हो ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा डस्ट पार्टिकल, भाई आपने जो है सैंड लिया, पानी में डाला, आपने उसे स्टार किया, और फिर आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो सारे के सारे पार्टिकल्स शटर डाउन हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पानी में जो सॉल्यूट है, जो सैंड है, वो डिजोल्व नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है, कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, मतलब अगर आप सपोज जैसे आपको मैंने भी बताया शुगर को पानी में डिजोल्व कर लिया, आप चाहे जितनी बार भी फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लें, लेकिन शुगर को पानी से आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। याद रखिएगा फिल्ट्रेशन की वजह से जो है वो शुगर का जो है वो पानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ क्या होगा, जैसे डस्ट पार्टिकल सैंड के जो है वो पानी या बीकर में बीकर ले लिया, ग्लास ले लिया, किसी भी चीज में सैंड पार्टिकल्स डाले, और फिर ना वो आप फिल्टर पेपर के जरिए से जो है वो फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।